हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग फंक्शन की शुरुआत करेंगे। फंक्शन, जी हाँ, कैलकुलस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन। कैलकुलस JEE Main में कभी कभी 40-60% आता है, मिनिमम 40 तो है ही, ठीक है। और ट्वेल्थ में क्या है, 44% हम लोग जानते हैं। तो 44% ट्वेल्थ में वेटेज रखता है और 40-60% JEE में वेटेज रखता है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे फंक्शन की। फंक्शन कैलकुलस का जड़ है, समझिए। फंक्शन नहीं आ रहा है, कैलकुलस नहीं आ रहा है, ठीक है। फंक्शन एकदम आना ही चाहिए। बाकी आगे नेक्स्ट क्या है, कुछ थ्योरी टाइप का है, थ्योरी कीजिए और फंक्शन का यूज कीजिए। तो मेन हम लोग का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से जानेंगे फंक्शन के बारे में कि होता क्या है। एक एक चीज को पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक टाइप का मशीन है। जी हाँ, फंक्शन क्या है, एक टाइप का मशीन है। मशीन, चक्की आटा मशीन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग गेहूँ, मक्का, चना वगैरह डालते हैं, तो उसको हम लोग इनपुट करते हैं। जिस चीज़ को हम लोग डालते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, मशीन अपना काम करता है, अपना फंक्शन करता है, ठीक है। और कुछ रिजल्ट हम लोग को देता है, आउटपुट उसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ रिजल्ट देता है जिसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। जैसे हम लोगों ने गेहूं डाला, मशीन अपना काम किया, हमको मिला क्या, आटा, ठीक है। हम लोगों ने चना डाला, गेहूं, मशीन अपना काम किया, क्या मिला, सत्तू मिला। तो इस तरह से जो चीज़ को हम लोग वहां डालते हैं वो क्या है, इनपुट है। जो चीज़ को नहीं डालते हैं वो क्या है, आउटपुट है। यहां इनपुट को हम लोग फंक्शन में डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है, आउटपुट को रेंज पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है, इफ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ वाई देर इज एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई देन वाई इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स अदरवाइज इसको नहीं कहेंगे। हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक रिलेशन होता है, रिलेशन आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे वाई इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या है, रिलेशन लिखा हुआ है। वाई और एक्स में क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। y इक्वल टू एक्स का पावर 4, ये भी क्या है, रिलेशन एक लिखा हुआ है। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, ये क्या है, रिलेशन लिखा हुआ है। तो ये है x और y में रिलेशन। तो कह रहा है कि एक रिलेशन ही तो है, क्या है, एक रिलेशन है x और y के बीच, सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x। लेकिन ये दूसरे टाइप का रिलेशन है। कैसा रिलेशन, कह रहा है कि x के एक वैल्यू पे, ईच वैल्यू ऑफ x, x के एक वैल्यू पर इन द डोमेन ऑफ y। अभी हम लोग डोमेन को समझेंगे, तो इतना तो आप छोड़ कर रखिए कि ये क्या होता है। तो इसको अभी हम लोग रहने देंगे। ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई देन वाई इज कॉल्ड फंक्शन और सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स। दिस इज रिटन एज वाई इक्वल टू एफ एक्स और वाई इक्वल टू जी एक्स, वाई इक्वल टू एच एक्स, वाई इक्वल टू आर एक्स, पी एक्स, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग ये समझेंगे कि वाई इक्वल टू एफ एक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और समझते हैं कि ये फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि x का एक वैल्यू डालिए, y का अगर एक ही वैल्यू आ रहा है तब कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, एक यही लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वन डाले तो y इक्वल टू क्या मिला हमको, देन y इक्वल टू मिला वन का स्क्वायर 1, x इक्वल टू 2 डाले तब y की क्या मिला, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से हम लोग डालते जा रहे हैं, x इक्वल टू माइनस 3 डाल रहे हैं, y क्या मिल गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, x इक्वल टू 3 डाल रहे हैं, y क्या मिल गया, 9, फिर 9, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 3 डाले, y 9। तो यहाँ क्या है कि x का एक वैल्यू डाल रहे हैं तो y का भी एक ही वैल्यू मिल रहा है, x का एक दूसरा वैल्यू डाले y का एक ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, x का एक वैल्यू पे y का भी एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो इसको फंक्शन कहेंगे। तो किसको फंक्शन नहीं कहेंगे भाई, तो यहाँ देखते हैं ना क्या लिखा हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3। यहाँ क्या पुट किए, पुट x इक्वल टू 0 हम लोग पुट किए या 1 पुट किया, ऐसा x क्या पुट किए, 1। तो यहाँ से मिला y स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 1 प्लस 3, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3 क्या हो गया, 4। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2। अभी हम लोग जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2। हम लोग क्या देखे हैं कि x का तो एक ही वैल्यू पुट किए हैं, x की कितना वैल्यू पुट किए हैं, एक वैल्यू, y कितना मिल गया, 2 मिला, 2 भी आ सकता है, माइनस 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3, ये मेरा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x का एक वैल्यू डाल रहे हैं, y का एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, इसलिए ये मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया होगा कि कौन फंक्शन होगा, कौन फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं अभी, जैसे ये मेरा फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं है, और भी चीज़ देखते हैं।
जैसे y इक्वल टू ये है x क्यूब प्लस 3, ये फंक्शन है क्यों? अच्छा सिंपली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि y का पावर अगर 1 है तब तो वो फंक्शन ही देगा, ठीक है। y इक्वल टू रूट एक्स, ये फंक्शन है। y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू मिले तब वो जो रिलेशन है वो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। अच्छा ऐसे भी समझते हैं, अभी आटे चक्की की बात हम लोग किए हैं ना, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू मिले तो उसको बोलते हैं नॉट फंक्शन, अगर फंक्शन नहीं है तो उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो हम लोग बस सिंगल वैल्यूड को ही फंक्शन बोलेंगे, अगर मल्टी वैल्यूड आ रहा है तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं? y इज फंक्शन ऑफ x। ऐसे भी पढ़ते हैं y इक्वल टू f ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। ऐसे भी पढ़ते हैं y इक्वल टू f ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं? y इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। y इक्वल टू h ऑफ x, इसको पढ़ेंगे y इक्वल टू h ऑफ x। तो अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा जैसे ये फंक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं, मशीन टाइप का ये कैसे है। तो मान लेते हैं यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल टू क्या है, कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने x पुट किया, तो यहाँ से हमको ऐसा समझते हैं कि ये x है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है। हम x पुट कर रहे हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या है? फंक्शन है f, हम पुट किए x, यहाँ फंक्शन अपना काम किया, आउटपुट क्या मिला? एफ एक्स। जैसे फंक्शन के जगह पे अभी हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, मेरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कोई भी इनपुट हम लोग पुट करेंगे, आउटपुट मेरा क्या मिलेगा? उसका स्क्वायर करके मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे x इक्वल टू 1 पुट किए, ठीक है, कौन सा फंक्शन में भाई? तो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो हमको जो आउटपुट मिला, 1 यहाँ गया, 1 का स्क्वायर हुआ, हमको आउटपुट मिला क्या? 1। हम यहाँ x इक्वल टू 2 पुट किए, यहाँ गया, आउटपुट हमको मिला क्या? 2 का स्क्वायर, 4। तो इस टाइप से समझेंगे, इनपुट फंक्शन आउटपुट, ठीक है, मशीन की तरह है। इनपुट फंक्शन अपना काम किया, आउटपुट जो मिला। तो इनपुट जो यहाँ होता है, यहाँ हम लोग बोलते हैं इसको डोमेन, ठीक है, और जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग अभी रेंज बोलते हैं। तो ये डोमेन और रेंज को हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ना है, अभी तो बस यहाँ बेसिक सा है, ठीक है। अच्छा ग्राफिकली भी हम लोग फंक्शन को पहचानते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो अगला है, ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट।